नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। आज हम अश्लेषा नक्षत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अश्लेषा नक्षत्र आकाश मंडल का नौवा नक्षत्र है। वैदिक काल के अंदर राशि नहीं बल्कि नक्षत्र के द्वारा ही भविष्य कथन होता था, तो इस वजह से आप समझ सकते हो कि राशि नहीं बल्कि नक्षत्र को जानना भी बहुत आवश्यक है अगर आप किसी भी चीज को बारीकी से समझना चाहते हो। तो आज पढ़ लेते हैं अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। जो जातक किस नक्षत्र में पैदा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, किन किन चीजों के ये प्रतीक हैं, ऐसे लोगों का शारीरिक रचना कैसा होता है, कुंडली के अंदर सकारात्मक पक्ष यानी स्ट्रॉन्ग चीज कौन सी है ऐसे जातकों की, इसी प्रकार नकारात्मक पक्ष यानी कमजोरी कौन कौन सी देखी गई है ऐसे जातकों की, और चार चरण होते हैं एक नक्षत्र में, चारों चरण के स्वामी उनकी विशेषताएं और उनका किस किस नाम से नामचरण होता है, अर्थात अगर कोई पहले चरण में पैदा हो तो किस नाम से उसका नामकरण होगा, दूसरे चरण में पैदा हो तो किससे हम नाम लिखेंगे, नक्षत्र के हिसाब से किसी जातक का नामचरण होता है। तो आज हम इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। देखिए, अश्लेषा जो नक्षत्र है ये ज्योतिष के अंदर इसको अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। जो भी जातक इस नक्षत्र में पैदा होता है ज्यादातर उसको अशुभ फल ही मिलते हैं। अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि के अंदर आते हैं, अर्थात राशि स्वामी हुए चंद्रमा और जो नक्षत्र स्वामी है वो हुए बुध। तो ऐसे जातक जो अश्लेषा नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं उनकी जिंदगी भर उनपे बुध और चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा। जिंदगी भर वो प्रभाव में रहेंगे बुध के और चंद्रमा के। तो कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा का और बुध का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको एक एक बता देता हूं। जो जातक नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में जो जातक पैदा होता है उसकी स्वभाव कैसा होता है, देखिए एक तो मैं प्राय बताता हूं ये नक्षत्र अच्छा नहीं होता। जो भी जातक इस नक्षत्र में पैदा होता है बुध का स्वभाव आने से ऐसे लोगों को धोखा देना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चालाकी से काम निकाल के अपने आप को लाभ लेना, दूसरों को हानि पहुंचाना, काम निकालने में ऐसे लोग बहुत आगे रहते हैं। और जन समुदाय से कैसे भी काम निकाल के उन्हें छोड़ देने वाले ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, पर जन समुदाय उन्हें बहुत अच्छा समझते हैं। इसकी वजह से जन समुदाय से वो काम निकालने वाले होते हैं। इस नक्षत्र में ज्यादातर बुरी ही आदत देखने को मिली है। अश्लेषा किस किस चीज का प्रतीक है, अश्लेषा का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प लाल रंग का प्रतीक है, ड अक्षर का प्रतीक है, नाग केसर वृक्ष का प्रतीक है और इनका नक्षत्र देवता होता है सर्प, और इनका नक्षत्र स्वामी हुआ बुध और राशि स्वामी हुआ चंद्रमा। तो इस प्रकार ऐसे जातक को जिंदगी भर बुध और चंद्रमा का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके सकारात्मक पक्ष कैसे होते हैं। अगर कुंडली के अंदर, वैसे तो अश्लेषा नक्षत्र के अंदर ज्यादातर चीजें अच्छी नहीं होती, पर फिर भी जो सकारात्मक पक्ष है मैं आपको बता देता हूं। ऐसे जातक अगर बुध और चंद्रमा की स्थिति ठीक है तो वो हसमुख होंगे, कलात्मक होंगे, अभिरुचि वाला होगा, साहित्य और संगीत प्रेमी होंगे, ऐसे लोग प्रसिद्ध बहुत होते हैं, नृत्यशील होगा, इनिशिएटिव लेने की इनमें बहुत अच्छी आदत देखी गई है, सफल व्यापारी होंगे, अगर किसी काम को करते हैं तो सफल तरीके से करते हैं। इसके विपरीत जो नकारात्मक चीज है वो तो आपने देख ही ली, स्वभाव में ही ज्यादातर नकारात्मक चीजें झलक जाती है, पर फिर भी बुध और चंद्रमा अगर नीच के हुए कारक नहीं है तो ऐसे ज्यादा चालाक, धूर्त, क्रूर, व्यर्थ धन करने वाले, कामुक, चोरी करना, आलसी, स्वार्थी, गलत आचरण, अपनी बातों को कहकर मुकर जाना, पापी, और ऐसे जातकों को आकस्मिक धन की हानि होती है। ऐसे जातकों में कुछ विशेषताएं भी होती हैं, मैं बता देता हूं। ऐसे जातक परिस्थितियों को पहले से ही भांप लेते हैं, जो भी उनके साथ होने वाला होगा वो पहले ही उसे देख के
अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। ये अश्लेषा नक्षत्र की एक सबसे बड़ी खासियत है। ऐसे जातकों का जो कैरियर होता है वो ऊंच श्रेणी के डॉक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग काम में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और अपने जगह से दूर जाकर ही वो अपना कैरियर इस्टेब्लिश करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके जो चार चरण होते हैं उनके स्वामी कौन होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा ऐसे चरण का, और किस अक्षर से उनका नामकरण होगा। देखिए अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि को मिलते हैं। जो पहला चरण है उसके जो स्वामी होते हैं गुरु, इसका मतलब जो जातक पहले चरण में पैदा हुआ बुध चंद्रमा के साथ साथ उसके उसके ऊपर गुरु का भी प्रभाव होगा। ऐसा जातक अत्यधिक धनिक अत्यधिक धनी होगा पर अनैतिक चीजों से ही पैसे कमाएगा और उसका जो नाम निकलेगा वो डी से निकलेगा। तो दूसरे चरण में जो जातक पैदा होता है उस पर शनि उसके स्वामी होते हैं, तो बुध और चंद्रमा के साथ साथ ऐसे जातक पर शनि का भी प्रभाव पड़ता है। पद प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी पर धन नहीं कभी जुड़ पाएगा और नाम निकलेगा ऐसे जातक का डू से। तीसरे चरण में जो अश्लेषा नक्षत्र के जो तीसरे चरण में जो पैदा होगा शनि उसके स्वामी होंगे, यानी चंद्रमा और बुध के साथ साथ शनि का भी प्रभाव पड़ेगा जिंदगी में और धन तो कमाएंगे पर वो भी जिंदगी में असफल रहेंगे। ऐसे जातक अपने पूर्वजों अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ पैसा नहीं जमा कर पाते। चौथे चरण में जो जातक पैदा होगा गुरु उसके स्वामी होंगे, इस पर भी प्रतिष्ठा बहुत मिलेगी पर धन नहीं कभी जुड़ा पाएंगे। तो दोस्तों अश्लेषा नक्षत्र के बारे में मैंने आपको बताया। ज्यादातर जो भी इनकी चीजें हैं बारीकी से मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये मेरी जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब करना। मैं एक एक करके सब नक्षत्र के बारे में बता रहा हूं और मैं आपको बताता हूं इनकी ये जो किस किस चीज के प्रतीक है। वर्ण ब्राह्मण, योनि मार्जर, गण राक्षस और नाड़ी जो है अंत्य है, और जीवन भर बुध और चंद्रमा का प्रभाव रहता है ऐसे जातकों को। ये चीजें आपको नोट करनी है। कुंडली के अंदर बुध और चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज इनको जो नेगेटिव पक्ष है उनका और ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों।